गांव लोधावाई में जिकड़ी भजनों का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है, जिसके गायक कलाकार शिव सिंह चोरावली, ढोलक पर संगति कर रहे भाई मोनू शर्मा, मई खंडोली आगरा से पेड़ पर झनकार दे रहे भाई प्रेम जी नगला खंगर से, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करता पंडित रोहता, डीजे साउंड सर्विस जरूथर से, आइए एक और धमाका। बड़ा ही आनंद आ रहा है और गाने वाले एक से एक बढ़िया, लेकिन भैया मोनू कभी लिख रहा है और टाइम कम और काम ज्यादा, कैसे ख्याल रहा है? और आइए इस इंसान को कभी चेतावनी दे रहा है दो लाइनों में, कैसे बेटा मोनू क्या बता दिया? और लमित वाहे और लमित वाह कैसो जमानो आयो बेटा मोनू, आप जैसे महापुरुष बैठे हुए हैं, ऐसे ही एक समय कृष्ण भगवान का दरबार लगा हुआ था, उस दरबार के अंदर मुरली वाले के चरणों को दबा रही है सतभामा, और चरण दबाते समय आज बंसी वाले सतभामा को देख करके हंस जाते हैं। सतभामा को बड़ा चंबा हुआ, कहा प्रभु या तो मेरे भोजन में कमी रह गई या फिर मेरे श्रृंगार में कमी रह गई, आप हंसे, हंसने का कारण अवश्य होगा, प्रभु इस कारण को बताइए कि आप हंसे तो क्यों देख कर कैसे? मुरली वाले ने कहा सतभामा ऐसी कोई बात ना है, जब तू ज्यादा जिद पकड़ रही है तो मेरा हंसने का कारण सुन, अब से पहले गया त्रेता युग और त्रेता युग में तुमसे सुंदर तुमसे अधिक मुझे प्रिय थी सीता, सीता का नाम सुना सतभामा खड़ी हो गई, प्रभु भूत्रेता युगो और अब चल लो द्वापुर, तुम्हारी अर्धांगनी तुम्हारी पत्नी सतभामा है सीता ना है, और कन्हैया तुम बार बार एक ही बात कह रहे कि सीता इतनी सुंदर है इतनी बड़ी पतिव्रताई, तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कन्हैया कि एक बार मुझे सीता के दर्शन जरूर कराना। और भैया क्रोध में आ गई और बंसी वाले से क्या कह रही क्या लिखा, अरस में भर गए नीन कबोली और पेन श्याम की प्यारी और मोती करो मिलान के देखूं।
होगी बेशक छोरा बेशक होए मलुछिया परम हो जैसी नाय होई की मोनू हो जैसी नाय हो और मोनू बेटा कवि लिख रहा क्या ला छुपाओ छुप न सके दिल की तेरे दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा बेटा असली नकली चेहरा और ये 51 रुपए का पुरस्कार हमारे चाचा तेज सिंह जी लोधावाई वाले दे रहे हैं हमारे लिए बार बार धन्यवाद और कभी लिख रहे हो क्या कम के घूंट सवर के प्याले और ये 10-10 रुपए का महान आशीर्वाद कमेटी द्वारा हमें मिल रहा है बार बार धन्यवाद कम के घूंट सवर के प्याले आंख नीच पीना चाहिए है आफत का नाम जिंदगी हंस हंस के जीना चाहिए वाले ने कहा है तत्वमा सुन मेरी बात जब से रच दई सृष्टि विधाता एक अटल सत्वर भारी है और एक नार को देख खुशी भई कबहु ना दूजी भारी है के सूरत सूरत और श्रृंगार नार को खुद ही लग रहे हो प्यारो और बाबा फिर मुस्काए गयो बंसी बंसी बारे बात कह के हंस गए लेकिन सतबामा का क्रोध शांत नहीं हो रहा है और भैया जी क्रोध में आकर के क्या कह रही क्या लिखा भैया कैसे भैया और कैसे पंडित जी क्या लिखा रे सुंदर सुगड़ी सुहानी हेरे सतभामा मेरो नामी हेरे करो बड़ाई मेरे और रूप की यहाँ और कहा सीता को रुपए चाचा दिगंबर सिंह जी ताड़ा वाले हवाले दे रहे बार बार धन्यवाद और भैया मोनू क्या लिखा संत मिलन को चाह लिए छोरा संत मिलन को चाह लिए तज माया अभुमान जो जो और ये
वाले से साफ साफ कह दिया सत्व हमारे प्रभु एक बार बासीता मुझे दिखाता दियो सब बंसी वाले और गरुण में बातें चल रही है। बीच में गरुण आ गया और गरुण कह रहा हूं प्रभु या सत्व हमारे बेर बेर क्यों बेकार है तुम। सुनिए जब त्रेता युग में तुम राम थे तो स्वयं ये गरुण मौजूद था और मैंने अपनी आंखों से देखी है कि सीता कितनी सुंदर है। पर बाबा ते क्यों ना कह रहे बंसीवारे के त्रेता युग में जब तुम राम है तो तुम्हारे साथ लंका के अंदर हुआ क्या था। तो देखो मिनट रह गई है पांच और मास्टर सुनिए ढोला के माध्यम से गरुण कह रहे हो प्रभु मैं बता रहा हूँ बंसीवारे कह रहे मोना पतो। तो सुनो प्रभु मैं बता रहा हूँ कैसे बता रहे बेटा मोनू क्या लगा कैसे अरे पलवा